नमस्कार मित्रों, RSAT के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। इसमें हम आपको मात्र 5 इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे जिससे आप RSAT के एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में, उस पर क्लिक कर दें जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आगे और भी कोई पेपर या और भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। इसमें यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो हम बता रहे हैं तरीका वो अपनाएं, हो सके उससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें पहला है, जैसे कोई भी प्रश्न आता है, जैसे एक प्रश्न है एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं। इसमें कौन सा सही है, इसमें फोर्थ ऑप्शन है दिए गए सभी यानी ऑल द अबव। यदि आपको इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, आपको कोई पता नहीं है, तो डी उपरोक्त सभी पे टिक कर दें। कई बार ये सही हो जाता है यानी 90% ये सही होता है, 10% ये गलत भी हो सकता है। और अधिकतर जो पेपर आए हैं जिसे क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें अधिकतर आपको उपरोक्त सभी ही सही मिलेगा। ये टिक जब करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो। दूसरा है, जहाँ किसी पर्सन के आंसर में ए एवं ब दोनों यानी ए एंड बी बोथ ऑप्शन आए, तो इसमें ए एंड बी बोथ दोनों आएगा। जैसे एग्जांपल दिखाएं, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है जिसमें पहला आंसर है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। यदि इस टाइप का यदि प्रश्न आता है और आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ये भी 90% सही होता है, 10% गलत हो सकता है। अब इसमें तीसरा आता है, जहां किसी प्रश्न के उत्तर में यस या नो आए तो अधिकतर आंसर यस ही सही होता है। आजकल पेपर में ये बहुत कम क्वेश्चन हो गया, बहुत कम आता है, और यदि आ जाए आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप इसमें यस ही करें, 90% यस सही होता है, 10% नो सही होता है। इसके बाद में कई प्रश्न आते हैं फुल फॉर्म के, जैसे इसमें एग्जांपल दिखाया है GUI, इसकी फुल फॉर्म। अब सबसे पहला है ग्रामर यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजेज इंटरनल, और तीसरा है ग्राउंड यूजर इंटरनेट, चौथा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप नोट करेंगे ग्राफिकल शब्द का 2 बार यूज हुआ है, तो इसका पहला हो गया ग्राफिकल, यूजर शब्द का 3 बार यूज हुआ है इसका हो गया यूजर, और इंटरफेस शब्द का 2 बार यूज हुआ है तो हो गया इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म हो गई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रश्न बच जाते हैं जिसका आंसर हमें नहीं मिलता है, अब उसका एक ही ऑप्शन रहता है, या तो उसका आंसर अपन ढंग से समझ के लिख सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ओमार शीट को खाली नहीं छोड़ें, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी लिखें, जो आ रहा है उसको भी ओमार शीट में उतारें, क्या पता कोई ऐसा तुक्का चले वो क्वेश्चन सही हो जाए। मान लो आप किनारे पे हो, एक नंबर से रह रहे हो और आपने वो भर दिया और उसमें आपका सही हो गया, आप पास हो गए, आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा उस समय, टाइम नहीं बचा हो, तो आप उसको कोई भी एक चीज़ लेके, चाहे ए लो, चाहे बी लो, चाहे सी लो, चाहे डी लो, उसको एक चीज़ में भर के आ जाओ, हो सके उसमें 2-4 क्वेश्चन अपने सही हो जाए। इस प्रकार अपन क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कोई सा नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन में काटापिटी नहीं होनी चाहिए। आप काटापिटी जो भी करते हो वो आप पेपर में पहले कर लो, ओमार शीट में नहीं करना है। ओमार शीट में एग्जाम में 20 मिनट्स बची हुई है, उसी समय ओमार शीट उतारना शुरू करें जिससे कोई काटापिटी कोई गलती ना हो, और ध्यान से सावधानी से गोले को पूरा भरें, ये नहीं अधूरा छोड़ें, गोले से बाहर इंक भी नहीं निकले, कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप रोल नंबर जो डाल रहे हो वो प्रॉपर चेक कर लें, ओमार शीट प्रॉपर भरें। यदि कोई भी ऑप्शन, जैसे आपने बुक सीरीज नंबर छोड़ दिया या इसके अलावा रोल नंबर छोड़ दिया या कोई भी ऑप्शन छोड़ते हो, तो आपके लिए फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्जाम से पहले कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम
के कोई मोस्ट नोट्स होते हैं जो भी उससे संबंधित होंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।